हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। हमने स्टार्ट किया है एंटीएमेटिक ड्रग, उसके क्लासिफिकेशन देखे हमने पिछले वीडियो में। क्लासिफिकेशन के बाद जो उनका मेन क्लास में से पहला क्लास था हमारा एंटीकोएजिक ड्रग, इसको भी हमने डिटेल से समझा। आज बारी है आपके एंटीएमेटिक ड्रग का सेकेंड क्लास, और इस सेकेंड क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। सबसे पहले हमेशा की तरह हमको उस टॉपिक के बारे में एक लाइन में जानना जरूरी होगा जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एंटीएमेटिक ड्रग, तो ये क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे सारे के सारे ड्रग जो कि आपके फिजियोलॉजिकली डिराइव्ड वोमिटिंग को, पैथोलॉजिकली डिराइव्ड वोमिटिंग को, या किसी और अन्य कारणों की वजह से वोमिटिंग जनरेट हुआ हो, इसको सप्रेस करने का काम करें, इनको इनहिबिट करने का काम करें, वो कहलाते हैं हमारे एंटीएमेटिक ड्रग। इनके काम करने के अलग अलग तरीके हैं, और आज हम जिस तरीके के बारे में देखने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, वह है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। अब ये क्या हुए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग? तो हमने हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन के ड्रग के बारे में पूरी जानकारी आपके पिछले सेमेस्टर में अपलोड कर दी है। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं हिस्टामिन एंटीहिस्टामिन के बारे में और H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में, तो आप इसको प्रीवियसली वीडियो से सर्च कर सकते हैं। शॉर्ट में बताऊंगा, हमारा जो H1 है वो हिस्टामिन है। ये हिस्टामिन अपने अगर रेस्पेक्टिव H1 रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होता है, तो इनके बाइंड होने से ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही ये सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, इनके एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो H1 का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उन एक्शन में आज के इमेटिक टॉपिक के संबंध में ये होगा कि वो आपके इंटेस्टाइनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस इंटेस्टाइनल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो GIT का कंटेंट है वो वोल्टेर यानी कि रिवर्स एक्शन के थ्रू आपके ओरल रूट से बाहर निकलेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ वोमिटिंग, और हिंदी में इसी को उल्टी कहते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया कि एक उल्टे तरीके से, रिवर्स तरीके से आपके ओरल रूट से बाहर जाए। ये तो हमारे आपके आज के इस टॉपिक के काम करने का एक मेन तरीका हुआ। अगर मैं इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करता हूं, तो ये एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनका नाम देकर के इनके मैकेनिज्म एक्शन के बारे में पूछे जाते हैं। ये है प्रोमेथाजिन, और इस कैटेगरी का ये जो ड्रग है प्रोमेथाजिन इज एन इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल ड्रग। दूसरा है डाइफेनहाइड्रामीन, और हमारा तीसरा जो एग्जांपल है वह है डॉक्सिलामीन। ये तीन ड्रग काफी इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरी को बिलोंग करने वाले। यूं तो इस कैटेगरी के साथ खास बात दो चीजें हैं। पहला, ये अपने साथ यानी कि एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी के साथ एंटीकोलिनर्जिक, एंटीडोपामिनिक और सेडेशन इफेक्ट भी शो करेगा, जिसको मैंने आगे के पॉइंट में इंक्लूड किया है। शुरू करते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां, और आपको मैं इस वीडियो में एक डेमो भी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले H1 एंटागोनिस्ट है, जो याद रखिएगा अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं हिस्टामिन को, तो स्पेसिफिकली इट इज अप्लाइड टू H1, जिसका GIT पे एक अच्छा इंपॉर्टेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। ये जो H1 एंटागोनिस्ट है इफेक्टिवली ब्लॉक, किसको ब्लॉक करते हैं? हिस्टामिन इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल, और इसके मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करने के कारण से ही हमारा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग अपना एंटीएमेटिक इफेक्ट शो करता है। दोबारा से रिवाइज करता हूं, अगर हिस्टामिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो वो आपके इंटेस्टाइनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वोमिटिंग होगी। अब हमको नहीं चाहिए कि आपका वोमिटिंग हो, तो करना क्या होगा? बड़ा लॉजिकल है, उस हिस्टामिन को उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं होने देना है। जब वो बाइंड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स होगा कैसे, और इसी कारण से हमारा जो एंटीएमेटिक इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। इसको समझाने के लिए मैं चलिए आपको छोटा सा एक डेमो दिखाने वाला हूं। हमारे पास एक ड्रॉपर है, ये बिल्कुल वही ड्रॉपर है जिसको आप लोगों ने कभी इंक को पेन पे फिल अप करने के लिए यूज किया होगा। इस ड्रॉपर में मैंने भरा हुआ है प्लेन वाटर। ये ड्रॉपर अभी थोड़ी देर के लिए, ये इमेजिन करिए कि ये आपके इंटेस्टाइनल मसल्स हैं, और इस इंटेस्टाइनल मसल्स, जो कि इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो इसके अंदर जो मैंने वाटर फिल किया है, इसको थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि आपके ये इंटेस्टाइनल कंटेंट है, फूड है, वाटर है और अदर सब्सटेंस है। जब तक नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहेगा, ये प्रोसेस बाकी के इस रिवर्स डायरेक्शन में चलते रहेंगे। लेकिन अगर आपके इस हिस्टामिन के रेस्पेक्टिव H1 रिसेप्टर पे बाइंड होने के कारण से क्या होगा, अभी आप देख रहे हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे किसको? इंटेस्टाइनल मसल्स को। सो एक सिग्नल आ रहा है ये मान के चलिए, और इस सिग्नल ने आपके इस इंटेस्टाइनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये पुश होगा, तो आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये जो वाटर है वो रिलीज होना स्टार्ट कर रहा है। इस वाटर के रिलीज होने का कारण यह है कि ये जो इंटेस्टाइनल मसल है वो अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो कंटेंट है वो बाहर एक्सपेल हो रहा है। इसको एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। ये आपके सामने एक छोटा सा पोटली जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने आपसे कल के वीडियो यानी कि एंटीकोलॉजिक वीडियो में डिस्कस किया था।
ये आपका एक स्फिंक्टर है, जीआई इसोफेगस स्फिंक्टर। इसका काम होता है कि ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर के कंटेंट को बाहर वापस रिफ्लक्स के रूप में बाहर आने से रोकना। इसके अंदर हमारे फूड कंटेंट भरे हुए हैं। जब कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन डेवलप होती है, हेमेटिक के सिग्नल्स आते हैं सीटीजेड पे, एनटीएस पे, अदर जो वेगल नर्व है उनके पे, तो ये जो हमारे कुछ कंडीशंस हैं इसमें आपका जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है। देखिए स्फिंक्टर अभी टाइट है, स्फिंक्टर मतलब ये प्रकार से जंक्शन है, या इसके कारण से अंदर का जो कंटेंट है वो कैसे भी करके बाहर नहीं आ रहा है। जैसे ही ये स्फिंक्टर वोमिटिंग के सिग्नल की वजह से रिलैक्स होने लगेगा, ये इस तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे, इसके रिलैक्सेशन होने की वजह से अगर हमारा जीआईटी कंटेंट इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखिए अभी फट पहले दोबारा देख लीजिए, ये नॉर्मल की कंडीशन में है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए नीचे से आपके कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, पुश करने पे भी ये बाहर रिलीज नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारा जो स्फिंक्टर है वो रिलीज होता जाएगा इस तरीके से, तो रिलीज होने की वजह से जो अंदर के कंटेंट है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूं बाहर आते जाएंगे, एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोमिटिंग। ये है अंदर के कंटेंट का बाहर आना, जो कि आपको दिखा रहा है कि आपका जो सब्सटेंस है अब वोमिट आउट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से ये जो अभी आपने देखे कॉन्ट्रैक्शन के रिलैक्स होने की वजह से, ये था मेन कारण हमारे आपके कॉन्ट्रैक्शन और उसकी वजह से काम करने का। आगे की कड़ी में बात करते हैं। सो ये जो इफेक्ट हुआ एंटीएमेटिक का, दूसरा दीज आर यूजफुल इन, ये जो हमारे एंटी एच वन हिस्टामिनिक ड्रग हैं वो कहां कहां यूज होते हैं। ये यूज होते हैं मोशन सिकनेस में। अब मोशन सिकनेस क्या है, जैसे मैंने डिस्कस किया, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने व्हीकल पे खास करके चार पहिए में अगर मूव कर रहा है ऐसी जगह जहां पे काफी सारे टर्न है, ट्विस्ट है, गोल गोल घुमावदार रास्ता है, तो उसकी वजह से उसको कुछ ऐसा सेंसेशन होगा कि उसको वोमिटिंग होने वाली है, और ये नौजिया की फीलिंग थोड़ी देर में जब कन्वर्ट हो जाए एक्चुअल वोमिटिंग में, तो वो कहलाता है मोशन सिकनेस। सो ये मेनली मुख्य रूप से आपके इसी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए करते हैं। इसके अलावा थोड़े थोड़े मात्रा में, यानी कि कम इफेक्टिवली, लेकिन इफेक्टिवली तो है, वो काम करता है आपके लेजर एक्सटेंट में, किसको ठीक करने के लिए, आपके मॉर्निंग सिकनेस को, प्रेगनेंसी के केस में भी किसी किसी वुमेन को ऐसे भी हो सकते हैं मॉर्निंग में उठने के बाद वोमिटिंग की फीलिंग होती है, एप्लीकेबल है प्रेगनेंसी के केस में, लेकिन नॉर्मली भी देखा गया है ये प्रॉब्लम। साथ साथ पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग की कंडीशंस को भी ठीक करने के लिए अपन यूज करते हैं। ये जो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस है इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। अगर मैं उस ऑपरेशन से पहले की तैयारी के बारे में बात करूं तो इनको हम यूज कर सकते हैं एज अ प्री एनेस्थेटिक ड्रग, और अगर ऑपरेशन के बाद कंप्लीट प्रोसीजर होने के बाद अगर जो फीलिंग्स ऑफ वोमिटिंग दैट कैन कन्वर्टेड इनटू अ रियल वोमिटिंग वो अगर हो रहा है तो भी हम उसको ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्री एनेस्थेटिक ड्रग में हम यूज करते हैं ऐसे ड्रग को जो कि आपके एनेस्थेसिया के देने से पहले लिया जाएगा, ताकि ड्यूरिंग द सर्जरी कोई भी ऐसे अनवांटेड रिफ्लक्स वो पेशेंट जनरेट ना करे जिसकी वजह से जो ऑपरेशन का प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाए, और उस प्री एनेस्थेटिक ड्रग के अंदर हमारा एंटीएमेटिक ड्रग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ये हो गए इनके यूटिलाइजेशन की। अगर मैं बात करता हूं आपके कि देयर एंटीएमेटिक एक्शन इज बेस्ड ऑन, कि ऐसा क्या होता है, ऐसा जो हमारे एंटीस्टामिनिक ड्रग हैं वैसा क्या करते हैं जिनकी वजह से हमको उनके यूज करने पे एंटीएमेटिक का इफेक्ट मिलता है, वोमिटिंग कम हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, एज पर द रेफरेंस ऑफ केडेज त्रिपाठी 8th एडिशन, और हमने इसके पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ है आपके हिस्टामिन के ऊपर ऑटोकॉइड्स के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। तो क्या क्या है, बेसिकली ये चार तरीके को फॉलो करेगा जिनके ऊपर ही हमारा एंटीएमेटिक का एक्शन बेस्ड है। ये कौन कौन से एक्शन है, सबसे पहला है एंटी कोलिनर्जिक, यानी कि ये एंटी कोलिनर्जिक एक्शन भी पजेस करेगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, और जिसको समझाने के लिए मैंने आपको ये जो स्फिंक्टर है इसके रिलैक्स या इसके खुल जाने के एग्जाम्पल दिया, ये भी हम इसको यूज कर सकते हैं एंटी कोलिनर्जिक में समझने के लिए। दूसरा है एंटीहिस्टामिन, जिसको आप देख ही रहे हैं और डायग्राम से भी आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए आज का टॉपिक चूंकि एंटीहिस्टामिनिक है तो थोड़ा सा यहां पे हम इसको ज्यादा जोर देकर के समझते हैं, क्योंकि कोलिनर्जिक को तो हमने समझा ही है। एंटीहिस्टामिनिक कहने का मतलब है ऐसे ड्रग जो कि हिस्टामिन को उनके रेस्पेक्टिवली अलग अलग तरीके के रिसेप्टर हैं, उनमें से H1 रिसेप्टर पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वोमिटिंग की जो कि अ पार्ट है जीआईटी का, तो उस पे बाइंड होने नहीं देता। समझते हैं पहले क्या होता होगा अगर हमारा जो हिस्टामिन है वो H1 रिसेप्टर पे बाइंड हुआ होता, उसके बाद देखेंगे कि एंटीहिस्टामिनिक क्या कर रहा होता। ये सिंपल सा एक लाइन का डायग्राम है जो कि आपको पूरा समझाने में बहुत आसान से समझा देगा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज H1 रिसेप्टर,
इस एच वन रिसेप्टर की कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक कि उस रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए हिस्टामिन जो कि एक केमिकल्स है, एक न्यूरोट्रांसमीटर भी यूज कर सकते हैं, एक कॉर्टिकॉइड्स भी यूज कर सकते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, वो आकर के बाइंडिंग ना हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर में हमने सर्कल बनाए हुए हैं ये है हमारा हिस्टामिन। तो ये हिस्टामिन अपने इस रेस्पेक्टिवली बाइंडिंग साइट पे आकर के बाइंड हो गया है, आकर के बैठ गया है। इससे क्या होगा, अगर ऐसा बाइंड होगा तो इससे होगा ये कि अब ये हिस्टामिन यानी कि सिग्नल और ये रिसेप्टर क्या बना लेंगे, बना लेंगे सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और इसके कॉम्प्लेक्स बनते ही हमारा जो स्टार्ट होगा फार्माकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एक्शन वो होगा वोमिटिंग। तो ऐसे ही बाइंड होगा, वोमिटिंग होगी। हमको अब ही नहीं चाहिए वोमिटिंग। हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ताकि इसको यूज कर सके वोमिटिंग को बंद करने में, यही तो पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, अब हमको एंटीहिस्टामिनिक ड्रग यूज करना है। सो कंसीडर अ ड्रग व्हिच इज एंटीहिस्टामिनिक, चाहे आप एग्जांपल के लिए ये यूज कर सकते हैं प्रोमेथाजिन या फिर बाकी के ड्रग को। तो ये जो प्रोमेथाजिन है वो खुद आएगा और आपके इस हिस्टामिन को उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड होने नहीं देगा। अब जब रिसेप्टर पे आपका हिस्टामिन बाइंड नहीं होगा तो फिर आपको ये जो एक्शन देखने को मिला था वोमिटिंग का वो तो देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, यही है हमारे काम करने का तरीका। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं लॉक एंड की का, जो आप इसी से बिल्कुल समझ सकते हैं। ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, हर एक स्टूडेंट को इसको समझना चाहिए। आपके एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में भी काम आएगा, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में भी समझने में काम आएगा। तो मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। ये एक रिसेप्टर है ताला, थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम करिए कि ये जो रिसेप्टर है ये ताला है, या यूं कहूं कि ये ताला नहीं है, रिसेप्टर है ये मान के चलें। ये हमारा जो चाबी आप देख रखते हैं ओरिजिनल जो स्टील की चाबी है, ये मान के चलिए कि ये आपका कोई सिग्नल मॉलिक्यूल है, जिस तभी धीरे धीरे के लिए माने तो ये एच वन रिसेप्टर है और हमारा ये हिस्टामिन है। दूसरी तरफ ये जो आप की देख रहे हैं ये कोई ऐसा की है जिसका अभी हमको कोई जानकारी है ही नहीं, यानी कि ये हमारा उस नेचुरल ड्रग का नेचुरल केमिकल का पार्ट नहीं है। या तो ये हो सकता है आपका एंटीहिस्टामिनिक ड्रग या कोई और एंटागोनिस्टिक एजेंट हो सकते हैं। अब क्या करूं मैं, क्या इस ताले की कोई वैल्यू है, क्या आप ये जो लिंक का ताला है अबाउट 400 रुपीस में मार्केट में मिलता है, एग्जांपल के रूप में बात करें तो, क्या अगर आप मार्केट में जाते हैं और आप ये लिंक का ताला खरीदते हैं और दुकान वाला आपको सिर्फ ताला देता है चाबी नहीं, तो इसकी कोई वैल्यू है, क्या आप इसे खरीदेंगे? या अगर आपने तुरंत खरीदा और दोबारा किसी को बेच रहे हैं बिना चाबी के, क्या आप उसको 2 रुपए में भी खरीदेगा? किसी यूज का नहीं है ये। वैसा ही इसका उल्टा, अगर मैं आपको दुकान में जाऊं और आपको सिर्फ ताला की जगह चाबी दे दूं तो क्या आप इसको 400 रुपीस में खरीदेंगे? या अगर ये चाबी मैं आपको दे दूं ताला ही ना दूं तो क्या ये चाबी आपके काम का है? नहीं ना। दोनों के केस में ये दोनों चीजें आपके काम का नहीं है। काम का कब होगा, जब आपको इस ताले के साथ ये चाबी आपको मिले तभी आपके काम का होगा। दोनों का काम का तभी है जब एकदम कॉम्प्लेक्स हो। वैसे ही रिसेप्टर और सिग्नल या रिसेप्टर और ड्रग का काम तभी है जब दोनों एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करें। अब आपको मैं समझाता हूं, ये हमारा हिस्टामिन रिसेप्टर है और ये हमारा हिस्टामिन है। ये जब हिस्टामिन अपने रेस्पेक्टिव साइट पे जाएगा बाइंड होगा तब इसका बायोलॉजिकल एक्शन दिखेगा। जैसा थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हिस्टामिन बाइंड हुआ था, इस हिस्टामिन के बाइंड होने की वजह, यहां पे हिस्टामिन था ये बाइंड हुआ था इसकी वजह से वोमिटिंग जनरेट हुई। तो अगर ये हिस्टामिन बाइंड होता है तो वो क्या करेगा, वो यूं करेगा, इन्होंने इस लॉक को खोल दिया, मतलब इस हिस्टामिन ने इस हिस्टामिन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया। अब इसके खुलने की वजह से जो वोमिटिंग होगी या जो भी इनका रेस्पेक्टिव अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्शन देखने को मिलेगा वो होगी, इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा अगर ये काम होगा तो जरूरी तो यही हुआ कि अगर ये काम करें तो इनके पास ड्रग रिसेप्टर होना चाहिए। अब अगर थोड़ी देर के लिए ये मानो कि हमको ये चीजें नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आपका हिस्टामिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड ना हो, तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एंटी एच वन हिस्टामिनिक ड्रग, यानी कि इसी को बोल सकते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। वो क्या करेगा, वो उसको उसके बाइंडिंग साइट पे बाइंड नहीं होने देगा। उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम छोटा सा एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये एक छोटा टेप है और ये इस बाइंडिंग साइट पे जिसको मैं रिसेप्टर का नाम दिया हूं इसको अपन लगा देते हैं। तो इस एंटी हिस्टामिनिक ड्रग ने दो तरीके से, कॉम्पिटेटिव तरीके से भी और अलग तरीके से भी, अभी यहां पे आप देख रहे हैं उसको ब्लस्ट ब्लॉक कर दे रहा है, ब्लॉक करने का मैं कॉम्पिटिशन नहीं आएगा, तो यहां पे अब इसने ब्लॉक कर दिया। तो मेरे पास मेरा हिस्टामिन है, मेरा हिस्टामिन रिसेप्टर भी है, लेकिन अब ये उस जगह पे देखिए आप बाइंड
नहीं हो पा रहा है, पूरा ध्यान समझ सकते हैं आप, ये ब्लॉक होने की वजह से ये बाइंड नहीं हो पा रहा है। अब आप बाइंड जब नहीं होगा, ये जब तक नहीं जाएगा तब तक काम नहीं करेगा, बहुत पावरफुल होगा तो इसने इसको पेंटेड किया, डिस्प्लेस किया, तब जाकर के काम करेगा, लेकिन एक यूजुअल केस में ये इसके अंदर पेंटेड होने नहीं देगा। कॉम्पिटेटिव एनिमिस में जो अभी आपने देखा, मैंने फोर्स लगाया तो ये जो बैरियर था वो हट गया, ये कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट को समझने के लिए था। कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट मतलब होता है जो ज्यादा ताकतवर होगा वो उस पर काम करेगा। सो एंटागोनिस्ट अगर ज्यादा ताकतवर है तो उसको रिप्लेस करेगा, अगर एगोनिस्ट कम ताकतवर हुआ या जिससे ज्यादा एक्सपेक्टिव हुआ तो उसको वो काम नहीं कर पाएगा। ये है एक सिंपल सा लॉजिक आपके एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के काम करने का। आगे बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड पे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है प्रोमेथाजिन। ये जो एग्जांपल है वो काफी इंपॉर्टेंट है प्रोमेथाजिन का। सो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो समझते हैं पहले। गिवन प्रोटेक्शन फ्रॉम मोशन सिकनेस, जैसा पहले डिस्कस किया, ये जो ड्रग है वो आपको मोशन सिकनेस से प्रोटेक्ट करेगा फॉर अबाउट 4 to 6 hours, 4 to 6 hours तक ये आपको मोशन सिकनेस में आपकी मदद करेगा। लेकिन एक साइड इफेक्ट भी है, एक अनवांटेड इफेक्ट भी है, वो है इट विल कॉज सेडेशन एंड ड्राई माउथ। अब ये क्या, ये क्यों? आप जानते हैं कि जो H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, इसके हिस्टामिन के जो टॉपिक हमने पढ़ा, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इसमें हमने ये देखा कि हिस्टामिनिक ड्रग को या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को यू बोलना चाहिए कि हम अलग अलग क्लासिफिकेशन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है हाईली सेडेटिव, दूसरा होता है मॉडरेट या मीडियम सेडेटिव, तीसरा होता है नॉन सेडेटिव। कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे भी होते हैं जो अकॉर्डिंगली उनके जो जनरेशन के अकॉर्डिंगली डिवाइड किए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन के अकॉर्डिंगली। तो हिस्टामिनिक को बाइंड होने से रोकने वाले एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के साथ ये दिक्कत है कि वो सेडेशन या स्लीप कॉज कराते हैं। तो इनके लिए क्या जरूरी हो गया, जब ये नींद कॉज कराएंगे, सेडेशन कॉज कराएंगे, तो हमको चाहिए कि दे शुड नॉट बी टेकन व्हाइल ड्राइविंग अ कार, यानी कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन ड्राइव कर रहा हो तब के केस में ये यूज नहीं करना चाहिए। हमने तब भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं। अब आगे बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, जो कि यहां पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में नहीं लिया, बट ये और भी यूजफुल होते हैं। ये है मेक्लोजिन, यहां पर मेक्लोजिन को इंक्लूड नहीं है एग्जाम्पल में, बट ये है, आप इसको याद रखिएगा। मेक्लोजिन इज अ लॉन्गर एक्टिंग ड्रग, ये थोड़ा ज्यादा काम करेगा। ये यूज होता है रिडक्शन ऑफ सी सिकनेस फॉर अबाउट 24 आवर्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ कॉम्प्रेस एग्जाम में पूछने के लिए, क्योंकि स्पेसिफिकली ये बता है सी सिकनेस, समुद्र से जिसको डर लगता है, समुद्र को देखकर जिसको डर लगता है, उनके लिए ये यूजफुल है। आगे सिनार्जिन, ये जो सिनार्जिन ड्रग है वो एंटी वर्टिगो है, जिसको ऊंचाई पे जाने से डर लगता है, जो ऊंचे से नीचे की ओर देखता है, हाइट पे देखता है, उनको डर लगता है, तो उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, उस फीलिंग को, फियर को ठीक करने के लिए, एंजाइटी को ठीक करने के लिए ये यूज करते हैं। एंटी मोशन सिकनेस के लिए भी ये यूजफुल हो सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, दे रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम, इनके काम करने का तरीका क्या है, ये कैल्शियम की एंट्री को रिड्यूस करते हैं। पिछले बार भी हमने ये बताया था, क्योंकि कैल्शियम की एंट्री होगी तभी तो ये रिलीज करेंगे आपके न्यूरोट्रांसमीटर को, तो जब हम कैल्शियम को इनहिबिट करते हैं तो रिलीज ऑफ कैल्शियम भी इनहिबिट होगा एज अ न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, तो ये आपके काम करने का तरीका होगा। सो एट द लास्ट, दिस इज द फर्स्ट चॉइस फॉर मोशन सिकनेस, कौन सा, हमारा सिनार्जिन। ये जो है एंटीएमेटिक, एंटीकोएनर्जिक, एंटीएमेटिक और एंटीहिस्टामिनिक ड्रग की एक्टिविटी को पजेस करते हैं, यानी कि तीनों तरह का एक्टिविटी ये शो करते हैं। सो फ्रेंड, आज के इस वाले व्हाइट बोर्ड में हमने डिस्कस किया कि आपके जो एंटीएमेटिक ड्रग है उनमें से हमारा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग काम कैसे करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। हमने बहुत शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इसको बुक में देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमने इसको काफी सारे बुक से सर्च करके इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब बात कर लेता हूं आज के रेफरेंस की, तो आज के रेफरेंस के लिए यूज किया है मैंने दो बुक, सतोस्कर और केडी त्रिपाठी, और पी जगदीश प्रसाद को थोड़ा सा मैंने इसमें ऑब्जर्व किया है, लेकिन केडी त्रिपाठी की इसमें वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी। सो इफ यू डोंट हैव सतोस्कर एंड पी जगदीश प्रसाद, यू मे हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लेक्चर आफ्टर सम टाइम। सो इसी साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे इस कोरोना वायरस के अनवांटेड सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए। सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो सो दैट मेनी स्टूडेंट गेट बेनिफिटेड। आपके सपोर्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सजेशन है, फीडबैक है, तो कमेंट करने में 1 मिनट का समय से कम लगेगा, वो 1 मिनट प्लीज हमारे लिए निकाल दीजिए। कमेंट बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या करेक्शन है, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो इसी के साथ नमस्कार।